डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि देश में हिंदी आशुलिपिकों की कमी क्यों है। हिंदी आशुलिपि का आरंभ इस देश में 1907 से हो चुका है, तथापि जो कुछ प्रयत्न इसके विकास के लिए किए गए वे हिंदी प्रेमियों द्वारा किए गए। सरकार द्वारा जो कुछ इसके विकास के लिए किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया, यह निश्चित हो गया था कि संविधान के लागू होने के बाद इस देश की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु जो कुछ निश्चय किया गया था उसको पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं किए गए। उस समय किसी भी तरफ से यह बात नहीं कही गई कि हिंदी में काम न हो, किंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ कुछ प्रदेशों की ओर से अवश्य कहा गया कि अभी उनके प्रदेशों में हिंदी का पर्याप्त ज्ञान लोगों को नहीं हुआ है, अतः यह काम धीरे धीरे किया जाए। उनकी ओर से यही कहा गया था कि अहिंदी प्रांतों में हिंदी लादी न जाए, किंतु हिंदी के कुछ विरोधियों ने इस बात को राजनीतिक रूप देकर उसके विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास किया। हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी। उसके लिए यह तय किया गया था कि 15 वर्ष के भीतर हिंदी का विकास किया जाए। यह अवधि 1965 की जनवरी 26 को पूरी हो गई थी, किंतु हिंदी के विकास के लिए जो कुछ किया गया था वह काफी नहीं था। संविधान के निर्माताओं द्वारा यह आशा की गई थी कि इस बीच में देश में हिंदी का प्रचार और प्रसार इतना अधिक हो जाएगा कि इसको राजभाषा बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विज्ञान तकनीक एवं विधिक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग नहीं के बराबर होता था, अतः यह स्वाभाविक था कि उस दिशा में प्रगति भी अधिक नहीं हो सकी। अतः हिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको यह आश्वासन दिया था कि अहिंदी भाषी लोगों के ऊपर हिंदी लादी नहीं जाएगी जब तक वे इसके लिए तैयार न हो जाएं। अतः उनको जो आश्वासन दिए गए थे उनमें यह कहा गया था कि हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में अहिंदी प्रांतों के साथ तभी होगा जब वे इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अतः राजभाषा अधिनियम बनाकर हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखने की अनुमति दे दी गई। यह सुविधा उनको दी गई थी जो कि हिंदी नहीं जानते थे। हिंदी प्रांतों में भी इस सुविधा का अनेक लोगों ने फायदा उठाना उचित समझा और हिंदी की प्रगति में ढील आ गई, किंतु केंद्र ने बराबर इस चीज पर नजर रखी और हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार के लिए और भी दृढ़ता के साथ उपाय किए। जब तक यह नहीं किया गया था तब तक इस काम में थोड़ी बहुत ढील रही, किंतु अब हिंदी प्रांतों में हिंदी में काम होने लगा है। उपसभापति जी, मैं सिवाय इसके कि इस बिल का विरोध करूं, इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इस सदन में
ऐसे अनेक लोग हैं और उनका ख्याल है कि इसके सिवाय कि लोगों को का बलात् धर्म परिवर्तन किया गया और यह प्रयत्न किया गया है कि लोगों में आपस में भाईचारा न हो। अलावा इसके और कोई दुष्परिणाम उस कानून के नहीं हो सकते जो अभी लागू किया गया है। मेरा ख्याल यह है कि यह बिल इस बुराई को दूर करने में कामयाब होगा, क्योंकि जब से यह बिल सदन में विचार के लिए लाया गया तब से अब तक अनेक लोग अन्य बातों के अलावा यह भी मानने लगे हैं कि कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हर समाज के लिए होने चाहिए, जिनमें स्त्री पुरुष और बच्चों को संरक्षण मिले। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है और अन्य बातों के साथ ही साथ यहाँ की परंपराओं को भी लोग समझते हैं और इनके समर्थन में अपने यहाँ भी दलीलें देते हैं। उनके ख्याल में कानून का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि किसी एक वर्ग को ही संरक्षण प्राप्त हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कर्मचारी वृंद अथवा कर्मचारी वर्ग के लोग यह समझें कि यह कानून किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। हमें ज्ञात हुआ है कि इसके समर्थन में देश भर में रैलियां आयोजित की गई हैं। किसी वर्ग की ओर से यह नहीं कहा गया है कि यह कानून उनके हितों के विरुद्ध है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विरोध किसी समाज की ओर से हुआ है अथवा केवल विरोधी दलों ने इसे जन्म दिया है। मैं भी यह नहीं कह सकता कि जो कुछ नियम निश्चित किए गए हैं उनके बारे में वह समझेंगे कि ये ठीक नहीं है। जब यह बिल पेश किया गया था तो इसी सदन में हर्ष ध्वनि एवं करतल ध्वनि के साथ सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया था। मेरे निकटतम सहयोगी भूतपूर्व मंत्री ने भी इसकी सराहना की थी। मेरा ख्याल यही है कि यह कानून देश के हित में है और सिवाय इस बात के कि इसे राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है और कोई ठोस कारण इसके विरोध में नहीं आया, उल्टे इसके समर्थन में अनेक लोगों ने यहाँ तक कहा कि यह कानून न्यायालय की परिधि से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में इसे न्यायालय में ले जाकर लागू करने में विलंब डाला जा सकता है। अतः मेरा अनुरोध है और निवेदन है कि सभी लोग इसके समर्थन में अपना मत दें और करतल ध्वनि से इसका समर्थन करें। जब से यह बिल आया तब से अभी तक कई सदस्य इसका समर्थन कर चुके हैं। यदि पिछले सालों में ही यह बिल आ जाता तो तब से आज तक लोगों का काफी कष्ट काफी हद तक दूर हो गया होता। स्टॉप।